हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, सो सॉरी। लेकिन अच्छा, और है, आज है 22 तारीख का, ये ब्लॉग जो है वो 22 अगस्त का है, लेकिन थोड़ा लेट जा रहा है, इसके लिए सॉरी। क्योंकि इतना व्यस्त हो गए थे हम लोग कि टाइम ही नहीं मिल पाया ब्लॉग डालने का, एडिट करके डालने का। तो यहाँ हमारे घर पे हो रही है पूजा, ये रुद्राभिषेक होता है वही हो रहा है, तो सब चीज़ें नीचे तैयारी हो रही है। और यहाँ पे जो हलवाई के हो है, तो पहले ना चूल्हे की पूजा होती है, जब भी खाना बनता है ना, चल लगभग 400 लोग खाएंगे, तो उसके लिए पहले मतलब हलवाई सब आए हुए, तो पहले चूल्हे की पूजा की जाती है। तो दो चूल्हा है, दोनों पे पहले घी लगाया, घी लगा के उस पर से चंदन लगाए हैं, उस पर अगरबत्ती जलाई और पैसा दिया जाता है उस पर। और यहाँ से इस पे जल देकर इस तरीके से 5 बार घुमा करके, और कहा जाता है कि मतलब जो भी आज बने सब अग्नि देवता की पूजा की जाती है। मेन यहाँ अग्नि देवता की पूजा की जाती है, और मतलब सब चीज़ें अच्छे अच्छे से हो जाए। और इधर खाने की तैयारी हो रही है, देखा ही आप लोगों ने। और नीचे आ गई हूँ मैं, तो यहाँ पे सब पंडित जी हैं, जो लोग आचार्य जी लोग हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रुद्राभिषेक में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो इधर बन रहा है पूजा के लिए खीर दूध, ये सब उबाला जा रहा है और खीर बनने वाला है। और इधर प्रसाद ये सब काफ़ी सारा, एक भाभी है इधर ये, और मम्मी लोग है ये, सब लोग नहाने धोने के वाली तैयारी हो रही है। और यहाँ पे हो रहा है, मैं हूँ यहाँ, और यहाँ फल सारे जितने प्रसाद के लिए तय हो बनेंगे वो सब धुले धुले जा रहे हैं। तो यहाँ पे दीदी है और मेरी फूआ है, और अभी यहाँ पूजा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बस जस्ट अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है, इसलिए लोग बैठे नहीं हैं, बस अभी तुरंत सब धीरे धीरे सब लोग आ ही जाएंगे। सब लोग बैठे हुए बस बता रहे हैं, भैया लोग इधर बैठ जाओ। तो यहाँ पे भैया भाभी है, और देखिए इस तरीके से कितना सुंदर सा लग रहा है हमारी। भवत्रवाकर स्वामिन्द्र स्वामयस्वतीः स्वामोकरे स्वामराजा दिवानि समादमोच्यता। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए देख ही सकते हैं, और बाहर में भी लोग बैठे हुए हैं। और पूजा जैसे जैसे पंडित जी आचार्य जी बता रहे हैं, उस तरीके से सारे विधि की जा रही है। और दरअसल ये जो रुद्राभिषेक पूजा होती है, पहले पहले नवग्रह शांति की पूजा होती है, फिर रुद्राभिषेक पूजा होती है। तो यहाँ पे अब अभिषेक किया जा रहा है, शिव जी का सारा पूजा हो विधि हो चुकी है, अब लास्ट में रुद्राभिषेक किया जाता है। तो पहले यहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा है, दूध देख सकते हैं बाल्टी में रखा हुआ है। तो रुद्राभिषेक होने के बाद ये देख सकते हैं बाहर का ये व्यू है, सब लोग बाहर में हैं, अंदर में भी जगह है पर सब लोग बाहर है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था अंदर में। तो अभी यहाँ पे होगा हवन, हवन होने वाला है, तो हवन की तैयारी कर रहे पंडित जी, देख ही सकते हैं। और अंदर का यहाँ पे पूजा का देख सकते हैं, तो यहाँ पे हवन हो रहा है। आप लोग बोलोगे कि आप तो दिख ही नहीं रहे हो, यहाँ पे मम्मी बुआ ये सब है, और सब लोग हैं जो लोग घर में आसपास थे, और काफ़ी लोग अंदर भी हैं, सब लोग बाहर आए भी नहीं। तो यहाँ पिंक साड़ी में मैं बैठी हूँ, मैं हूँ जो पिंक साड़ी में बैठी हूँ। यहाँ हवन हो चुका है, और सच में गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पूजा के दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से दिए में रखा हुआ है, मतलब जलाया जाता है सब में कपूर डाल के। ओम राम 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 राम
सब मनोकामना पूर्ण करो। ओ तत्महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। वक्रतुण्डाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि। देखा आप सभी लोगों ने, यहाँ पे आरती पूजा सब खत्म हो गया, उसके बाद खाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो छत पर है खाने का कार्यक्रम, कब से शुरू है, मैं तो लेट से आई हूँ। अभी तो अंधेरा हो चुका है, जब जैसे ही शाम हुआ हल्का अंधेरा शुरू हुआ वैसे खाने का शुरू हो गया था। एकदम टाइम पे सारा कुछ हुआ बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे सब चीज़ें ख़त्म हो गई, सब लोग जा चुके हैं। लास्ट में अभी 11:30 बज रहा है, हम लोग 2-4 लोग बैठे हुए हैं बस। मैं वीडियो बना रही हूँ, दीदी भाभी मम्मी सब लोग बैठे हुए बाहर में, 2-4 लोग बचे हुए हैं बस। हम लोग यहाँ से बातें करके तब सोने के लिए जाएंगे। तो सोने की तैयारी करनी भी है, वो सब भी बिस्तर लगाना है, क्योंकि बिस्तर लगाना नहीं है, बहुत लोग नहीं बचे, बस जो जहाँ सोता है वहीं सोना है सबको। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को एंड करती हूँ। जो सभी लोगों को थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय भोलेनाथ।